आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और महान अर्थशास्त्री के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई नीतियां आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले हुआ करती थी। अपने जीवन में कैसे सफल बने इसके भी सूत्र चाणक्य ने बताए हैं। एक सफल व्यापारी बनने के लिए कुछ सूत्र आज हम यहाँ पर जानेंगे जिन पर अमल करके एक सफल व्यापार को खड़ा किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने सकारात्मक सोच रखने की सलाह दी है, यानी कि पॉजिटिव सोच रखनी है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमें स्थिर और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर हम नेगेटिव बातों को सोचकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। काम को शुरू करने से पहले उसकी जगह, समय और उस काम में कौन कौन हिस्सेदार हमारे हैं, हमारी मदद कौन कर सकता है, इसकी भी जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हम कर लें। हम जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम को करने में हम सक्षम हैं कि नहीं, या हमारे में कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं जिसके वजह से हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि हम उसे सही तरीके से कर सकते हैं तो ही उस विकल्प के ऊपर में हम काम करें, इसी से हमको सफलता मिलेगी। किसी भी नया काम को करने के समय हमें अपनी वाणी पर यानी कि भाषा पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अगर हम तीखा और कड़वा बोलेंगे तो हमें हमारे व्यापार को एस्टैब्लिश करने में दिक्कत होगी, हमारा व्यापार घाटे में भी जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।